हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी तंदूरी रोटी, वो भी बिना तंदूर के। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं तंदूरी रोटी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंथेंगे। 2 कप गेहूँ का आटा, 1/2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। पहले इसको अच्छे से मिलाएंगे। दो चम्मच घी, इसको भी मिला लेंगे। इसको रोटी के आटे की तरह गूंथ लेंगे, उतना ही मुलायम गूंथना है जैसे हम रोटी बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लेंगे। को इतना सॉफ्ट आटा गूंथेंगे। 1 कप पानी लिया था, उसमें से इतना सा बचा हुआ है, 3/4 कप पानी इसमें लग गया। थोड़ा सा घी लगा देंगे इसमें। इसको एक बॉल से ढककर 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, आटे को 1/2 घंटा हो गया है, चेक करते हैं इसको। आटा रेडी है, इसकी 2 छोटे छोटे लोइयां बनाते हैं। आप जितनी छोटी बड़ी रोटी बनाना चाहें उस हिसाब से आप लोइयां बना सकते हैं। मैंने इस साइज की लोइयां बनाई हैं दोनों। गैस पर एक तवा रखेंगे, तवा गरम हो रहा है जब तक रोटी बेलते हैं। रोटी बेलेंगे, इसको थोड़ा सूखे आटे में लगा लेंगे। सूखा आटा ज्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे। बिना आटे के बेल जाती है तो आप ऐसे भी बेल लेंगे रोटी को। रोटी को थोड़ा पतला बेल लेंगे। रोटी को इतना पतला बेलेंगे। एक बॉल में पानी लिया हुआ है, रोटी के एक साइड पानी लगा देंगे। पानी की साइड को तवे के ऊपर रखेंगे। तवा तेज गर्म होना चाहिए इसके लिए, वरना रोटी निकल जाएगी तवे के ऊपर से। 1/2 मिनट के लिए रोटी को सेकने देंगे, थोड़ा सा ये तंदूरी रोटी की तरह बबल्स आ जाएंगे इस पर। अब इसको तवे को उल्टा करके रोटी को उल्टा सेक लेंगे। इसको चारों तरफ घुमा घुमा के रोटी को सेकेंगे, जिससे रोटी एक सी सिक जाए। पूरी रोटी को इसी तरह सेक लेंगे, बीच बीच में ऐसे चेक करते जाएंगे, जहां से रोटी नहीं सेकेगी वहां से सेक लेंगे।
देखिए रोटी बिल्कुल तंदूरी रोटी की तरह लग रही है, आप देखिए इसको, आप पहचान ही नहीं पाएंगे तवे पर बनाई है तंदूर ओवन में रोटी बनाई है। रोटी को निकाल लेंगे, इसको एक प्लेट पर रखेंगे। आप घी बटर जो भी लगाकर खाना चाहें आप लगा सकते हैं। प्लेन खानी है तो प्लेन भी काफी अच्छी लगती है रोटी है। ये देखिए इसी तरह एक और रोटी बेल लेंगे। पहले की तरह इस पे भी एक साइड अच्छे से पानी लगा लेंगे जिससे रोटी चिपक जाए तवे पर। इसको भी तवे पर डाल देंगे। इसमें भी बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। इसको पलट कर सेक लेंगे। रोटी सेक गई है, गैस को बंद कर देंगे। देखिए आप घर पर भी तंदूरी रोटी का मजे ले सकते हैं बिना तंदूर ओवन के। तो फ्रेंड्स अपनी तंदूरी रोटी रेडी है, आप भी एंजॉय कीजिए। आप इसको किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ, पनीर की सब्जी के साथ। मैं कढ़ाई पनीर की सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। कढ़ाई पनीर की सब्जी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारी तंदूरी रोटी कैसी लगी बिना तंदूर ओवन के। थैंक यू।